प्यारे किसान वीरों, खेती ज्ञान दे नाल भरपूर प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत लैके मैं रणजीत सिंह चौहान तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हाँ। जिवें तुसीं जानदे हो कि इस प्रोग्राम दे जरिए असीं तुहानूं हर रोज़ नवें नवें विषयां संबंधी जानकारी दिंदे रहिंदे हाँ। उसी लड़ी दे विच साडी अज दी गलबात दा विशा है पिंडां दे नौजवानां लई स्वै रोज़गार दे साधन। इस विशे ते आपां जानकारी हासिल करनी है। जानकारी देण लई मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर राकेश कुमार जी, जिहड़े प्रोफेसर ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दे, पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दा कृषि विज्ञान केंद्र है फरीदकोट विखे, उत्थे अपनी यह सेवा निभा रहे हैं। इन्हां तों आपां सारी जानकारी हासिल करनी आ, क्योंकि साडा मुख किता जिहड़ा खेतीबाड़ी है, खेती दे विच फसलां हुंदियां ने, दाणे हुंदे आ, उन्हां दाणियां तों असीं होर किहड़े प्रोडक्ट बना के मार्केट 'च बेच सकदे आ, स्वै रोज़गार उहदे विचों किवें लभ सकदे आ, इह सारी जानकारी इन्हां तों लैणी आ। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। सब तों पहलां जे असीं गल करिए एग्रो प्रोसैसिंग दी, मतलब साडी, क्योंकि खेती साडा पिता पुरख ही किता आ, फसलां हुंदियां साडे, दाणे घर 'च आउंदे आ, तो इहदे बेस ते इन्हों असी एग्रो प्रोसैसिंग क्यों कहते हैं? एग्रो प्रोसैसिंग एक अंग्रेजी का शब्द है जी। एग्रो मीनस हो गया खेती जी, तो प्रोसैसिंग कर दी आप उसनों किस तरीके किहड़े ढंग तरीके करके उसनों दूसरे जिहड़े अपने खेती के पदार्थ है उन्होंने किस तरीके आप खाण योग बनाना। जिदा आप कणक पैदा कर रहे हैं, कणक नूं आप कणक के रूप से नहीं खा रहे, उन्होंने आटा दलिया मैदा सूजी बना रहे हैं, तो वो एक प्रोसैस लगता है, जिसमें चक्की दे विच करना या मिलर दे विच पास करना या मिल दे विच पास करना, तो एक प्रोसैस, एक ये प्रोसैस वर्ड हो गया। तो एक खेती एग्रो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट नू प्रोसैस करना, एग्रो प्रोसैसिंग वो एक वर्ड बन गया कि एग्रो प्रोसैसिंग, तो खेती के उत्पादों आप वक् वक् तरीके वक् वक् प्रोसैस नाल गुजार के खाण योग बनाने वास्ते जिहड़ी भी तकनीक यूज़ करते हैं उसनों आप एग्रो प्रोसैसिंग कहते हैं। एग्रो प्रोसैसिंग तुसी समझ ही गए हो कि साडियां खेती दे विच्चों जिहड़ी भी पैदावार हुंदी आ उहदे तों होर चीज़ां बना के असीं किस तरह वधेरे मुनाफा कमा सकदे आ, किस तरह असीं अपने यूनिट ला सकदे आ, सो उहनूं असीं एग्रो प्रोसैसिंग कहिंदे आ। डॉक्टर साहब, गल इह वी देखो पिंडां दे विच नौजवान ने खेती भी करदे आ, मक्की कणक सारा कुछ पैदा करदे आ, है ना, सो कोई भी साडा नौजवान वीर इह एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लाउणा चाहुंदा, किस किस चीज़ की लोड़ है फिर उन्होंने? देखो सानवीरो, जो आप एग्रो प्रोसैसिंग सेंटर या यूनिट जिते जो तुहाडा मन किया भी एग्रो प्रोसैसिंग मैं करनी है, तो नाले अपनी फसल तो वध मुनाफा कमाना, तो ये ऐ नहीं कि आप सुन लिया तो देख लिया तो कर लिया, उदा नहीं होंदा। उहदे लई तुहानू एक वक्रे रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, ये क्योंकि किहड़ी फसल लेनी है, किहड़े जीन्स क्वालिटी लेनी है, किहड़ी मशीन चोन करनी है, कितना खर्चा लगना, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग 5 तो 10 दिन की ट्रेनिंग साडे पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट प्रोसैसिंग में दी जाती है, जिहदे विच सारी मशीनां हैगी हैं, वो सारी मशीनां तुहाडे हत्थ चलवा के तुहानू छोटे मोटे नुक्स जिहड़े पैंदे वो समझा के कितने मॉइस्चर ते वो करना वो सारा कुछ तुहानू सिखाया जाता। वो जो तुहानू सर्टिफिकेट मिल जाता उस तो बाद तुसीं अपना केस अपलाई करदे हो अपने जिला डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के, वो केस बन के चंडीगढ़ जाता, उत्थे चंडीगढ़ लैवल ते पूरी एक टीम बनी हुई है जिहड़ी कि एक उसमें यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा, एक जिले का नुमाइंदा और एक चंडीगढ़ तो, वो टीम तुहाडा जाके देखती भी जे तुसी ट्रेनिंग लई है ठीक है, तुसी जिहड़ी थां चोण कीती है वो उत्थे फिजिबल है कि नहीं है उत्थे लगाउण दा, ये सारी चीज़ां जदों पास हो जांदी है फिर तुहानू एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लई मिल जांदा मंजूरी कि हाँ तुसी ला सकदे हो। गल इह वी पहलां ट्रेनिंग डॉक्टर साहब ने सानू दस्सिया कि बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग तो बाद सानू जगह दी चोण बहुत जरूरी है जिथे असीं लाउणा आ, तो उस तो बाद सानू महकमे नूं मिलना भी बहुत जरूरी है ताकि सानू बिजली दा कनैक्शन होर सारा कुछ है जिहड़ा वो मुहैया जरूर होवे। डॉक्टर साहब, ऑलरेडी बड़ा कुछ बाजार दे विच सानू मिल रहा, सारा कुछ प्रोसैस किया होया मिल रहा, होर नवें एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लाउण दी क्यों लोड़ पई है? देखो सब तो ज़्यादा एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लगाने का इस करके फायदा ये है, इसका सब तो वड्डा फायदा ये होगा कि अपनी जिहड़ी प्रोसैसिंग यूनिट होणगे वो अपने पिंडा लैवल ते होणगे, क्योंकि जी उत्थे ही साडा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस पैदा हो रहा है, उत्थे ही प्रोसैस होगा, तो उसकी क्वालिटी एक बहुत अच्छी रहेगी, ना सानू ज़्यादा स्टोर करने दी या कुछ करने की दिक्कत आनी है। तो दूसरा फायदा ये मिलना जिहड़ी हर तरफ गल चलती पई कि डाइवर्सीफिकेशन होनी चाहिए है, का दूसरी चीज़ा लाओ, कणक झोने छोड़ो,
तो वो जो प्रोसैसिंग करेंगे तो उस तरह जिवें मैं ही एक अपना उदाहरण लेना कि मैं अपना एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लाना, मैं देखता भी मैं तेल का यूनिट ला लेना, तो मैं पिंड जाके कहूँगा भी मैंने सरों इतने हज़ार क्विंटल सरों चाहिए जिस तरह मैं तेल करके, क्योंकि तेल बेचूंगा तो मैं तेल सरों कितों लूँगा, वो पिंड से डायवर्सीफिकेशन का फायदा मिलेगा। तीसरा फायदा ये मिलेगा कि जेड़े अपने पिंड जेड़े पढ़े लिखे अजकल नौजवान है जेड़े खेती तो गुरेज कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते क्योंकि खेती करना कोई नहीं चाहता क्योंकि मुनाफे का लाहेवंद धंधा नहीं रह गया, तो वो उन्होंने इस चीज़ का प्रॉफिट इतना मिलता है कि उन्होंने पिंड से शहर छड़ के शहर जाने की लोड़ नहीं पैंदी, पिंड दे विच उन्होंने मुनाफा मिलना शुरू हो जाता, उन्होंने खेती के रुझान बढ़ जाता। तो एक वो चौथा फायदा यह मिलता जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन WTO आप सब ने सुना होना, वो ये है कि अब कोई भी कंट्री किसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी से कोई वो नहीं बाउंडेशन नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट ला के बेच सकते हैं, तो वो सानू छोटी 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 चीज़ों के जेडे साढ़े तो ही कच्चा माल खरीद के सानू ही डबल ट्रिपल रेट से बेचते हैं, तो वो की होगा जो आप एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट जो पिंड लैवल से लावे खर्चा घट लगेगा, सानू प्रॉफिट भी मिलेगा तो जो कंज्यूमर उन्होंने प्रॉफिट मिलेगा। चौथा फायदा इसका ये होगा कि जी अपनी अजकल जी चल रही है मुहिम ये भी है कि भाई महिला सशक्तिकरण भी नू भी अपना वादा करना है, जी पिंड अपने लेडीज़ है उन्होंने भी रोज़गार का साधन ये मिल जाता, क्योंकि ये जो आप प्रोसैसिंग करनी किसी भी चीज़ की, ये नहीं कि अपना वाढ़ी की तो सीधा प्रोसैस जानी, उसनों साफ करना, उसनों ग्रेड करना, उसनों पैक करना, तो इस दे विच जिहड़ा ये काम है ये तुहानू सारयां नू पता है कि भी लेडीज़ बहुत सही ढंग नाल अच्छे तरीके नाल कर सकदी हैं, तो उन्होंने भी इस रोज ये रोज़गार का साधन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ां जे आपां जोड़ के चलते हैं तो लॉन्ग टर्म जिस प्रोसैस नू लेके चलते हैं किसान वीरां नू जिहड़ा अपना एक एकड़ तो मान लिया जे 50,000 रुपए का फायदा हुंदा सीगा पहला, जे वो अपने इसी चीज़ नू प्रोसैस करके बेचेंगे तो उन्होंने 2.5 to 3 गुणा उन्होंने प्रॉफिट, मतलब एक इकनोमिक लैवल जो पिंडा दे जे अपने बैठे कि भी सानू करजाई हो गए हैं सानू मुनाफा नहीं मिलता, वो सारी चीज़ां दा इन्हां नू इस चीज़ तो फायदा मिलेगा। तो अजकल जो देखिए चलता की है भी आप कणक नहीं खा रहे, मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहना इतने सरों का तेल का ही एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, सरों आप पैदा करते हैं सब कुछ करते हैं तो मंडी से ले जाके बेच देंगे 50,000 रुपये 5,000 रुपये क्विंटल चली गई, पर जे आप थोड़ी जी मेहनत कर लीए कि करना कि कुछ नहीं कोल्लू के तेल कटना एक क्विंटल सरों के लगभग 30% तो मिनीम है 33-34% तक भी तेल निकल जाता जी, 150 रुपये किलो तेल है, 30 किलो तेल निकला तो कितने का हो गया जी 1500-1500, तो उसके बाद 2000 से लेके 3000 रुपये क्विंटल सरों खल जाती है, वो प्योर फीड है, वो तुम अपने पशुओं भी रख सकते हो तो दूजी उसको सेल भी कर सकते हो, 4500-3 7500 का हो गया, तो उसमें जो 500 रुपये क्विंटल या 600 रुपये क्विंटल खर्चा भी कट दिए तो भी तो 1.5 to 2000 रुपये पर क्विंटल तुम आराम सिर्फ उसकी प्रोसैसिंग करके उसका वो मुनाफा ले सकते हो। ऐदा ही जो कणक का चौल का बासमती चौल आप खरीदते हैं 40 रुपये क्विंटल आप दे के आ जाते हैं 40 रुपये मसा मिलता कदे कदे जो रेट मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, पर जो उही चावल आप खरीदना हो सू 100 रुपये तो घट नहीं मिलता 120 रुपये, मतलब एक इदा ही 1 किलो चावल बासमती झोने चो सू 60 या 66 ग्राम चौ बासमती मिल जाती है, कणकी मिलती है, फोक मिलता, सब कुछ बिकता जो उसकी सही तरीके से प्रोसैसिंग यूनिट लगे तो उसका जो राइस ब्रान निकलता ब्राउन राइस ब्रान भी वो तो तेल निकाला जा सकता, मतलब 1 किलो जेड़ा 40 की थान तो 70-80 रुपये का तुहानू प्रोडक्ट दे जाता, मतलब दुगना हरेक चीज़ में जो आप प्रोसैस करते हैं सही ढंग तो तुहानू दुगने तो तिगने प्रॉफिट हो सकता उसी चीज़ तो। यहाँ पे पंजाब में आप देखते हैं दूसरे स्टेट में अभी हो रहा है कि भाई अपनी पैदावार वधाओ उन्होंने नहीं जी, पर जो आप पंजाब की गल करते हैं साड़ी जमीन जो आप देख रहे कणक झोना जितना पैदावार ले रहे हैं इस तो ज़्यादा कोई पैदावार नहीं ले सकते, पर होना की है तो फिर अपनी आमदन किसान की वधू ही कितने क्योंकि खर्चे अपने दिन दिन वधते जा रहे हैं तो कितों वधनी है, यही एक सोत्र साढ़े को यार बहुत वधिया सोत्र है जो थोड़ा जा मेहनत की लड़ है क्योंकि आप इस लाइन से लगे नहीं दूसरे स्टेट से जा रहे हैं उत्थे वो छोटा छोटे छोटे करके कर रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं कि पंजाब के विच भी जो तुम ये लहर चलेगी और जो लोगों को समझ आ गया तो आप बहुत वधिया तरीके अपना के अपने पंजाब में दोबारा खुशहाल पंजाब बना सकेंगे जी। सो बड़े विस्तार नाल किसान वीरों तुहानूं डॉक्टर केश कुमार जी दस रहे हैं कि सब तो वड्डी गलत है कि पिंडां दे नौजवानां नूं किते लाउणा, सारा परिवार रल के एक थां ते कम कर सकदा है, पिंड पद्धर ते वधिया चीज़ मिल सकदी है। बाकी रही गल भी देखो नौजवान जिहड़े भटक चुके आ उन्हां दा उन्हां नूं मोड़ के लिआउणा वी उह पिंड पद्धर ते ही ये चीज़ां नूं खरीद के आप प्रोसैस करके पिंड दे विच ही वेचण तां वधिया मुनाफा कमा सकदे आ। पढ़े लिखे नौजवान इधर नूं आ के एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट ला के अपना वधिया काम रोज़गार अपने आले दुआले दे पिंडां दे विच प्रचार करके वधिया मुनाफा कमा सकदे आ, इदां दी कोई गल नहीं है। डॉक्टर साहब गल इह आ वी देखो बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, साडे नौजवान चाहुंदे आ वी असीं इधर नूं आईए है ना,
ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ? ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FPO ਟਾਈਪ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਇਹ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਨੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਲੋਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿੰਨੀ ਆਇਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਛੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮਿੰਨੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲ, ਆਇਲ ਐਕਸਪੈਲਰ, ਫਲੋਰ ਮਿਲ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਮਸਾਲਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਫੀਡ ਮਿਲ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਮੋਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਤੋਂ 300 ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ 25 ਤੋਂ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ 300 ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 300-400 ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਰੀਏ, ਮਤਲਬ 600-700 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 250-300 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ, ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਸਕੁਏਅਰ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਰਸਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਮਾਇਆ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਡਰਸਾ। ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਬਾਰਡ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੋ ਸਕੀਮਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਲੋਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਬੈਂਕ, PFMSE ਸਕੀਮ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਫੰਡਿਡ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲਗਨ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੋ।
जी थोड़े दिमाग से फिजा आ गई वो क्लीयर हो जाए पिक्चर, हाँ भी इनमें ये चीज़ा यदि डिटेल जाए डि ट्रेनिंग मैं थोड़ा दस्या कि अपने डिपार्टमेंट प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एग्री इंजीनियरिंग पी आई लुधियाने विखे दी जाती है, उत्थे तुसी लै के अपना सर्टिफिकेट करके लेके सब कुछ अपना काम बहुत सुचारू रूप में चला सकते। सो आओ वध चढ़ के अपने पिंडां दे विच रोज़गार होर भी लोगों को मुहैया करवाइए, अपने नालदियां नूं मुहैया करवाइए, पिंडां दे विच एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लाइए। बाकी जानकारी लिए साढ़े को पी ए यू बैट हैगी है, यूनिवर्सिटी तो असी सारी जानकारी मौके मौके पर भी लै सकते हैं। सो डॉक्टर राकेश कुमार जी बहुत वधिया जानकारी साढ़े किसान वीरां नूं एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट लाने संबंधी दी है, तुहाडा इन्नी जानकारी देने लई बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਚਾਰ ਚਟਣੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਪੜ ਵੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਲੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਬਣਦਾ, ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਫਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਰ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ,
तो वह तुसी मिलट का आटा या ज्वार का या रागी का आटा जड़ा कल्ला कल्ला करके या कट्ठा करके भी वेच सकते हो, क्योंकि ये फाइबरस भी हुंदा है, मतलब तुहाडे लई बहुत ज़्यादा मतलब ये हैल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैगा, ये विच बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, तो लोग कंज्यूमर है जड़ा मार्केट के बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। इस करके सारिया चीज़ों की प्रोसैसिंग करके तुसी अगर सेल करते हो तो दुगना चौगना मुनाफा जड़ा है वह कमा सकते हो। एग्रो प्रोसैसिंग का किता जड़ा है वो आसान तो है, पर यह किते नू चालू करन लई शुरू करन दे लई सानू कुछ ना कुछ सिखलाई की जरूरत जरूर पैंदी है। इस करके नौजवानों नू इनवॉल्व होना चाहिए है जे कुछ महकमिया दे नाल जिथों वह सिखलाई लै सकते हैं, जिवें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैगी है, ये अड्ड अड्ड के वी के है ते पंजाब एग्रो प्रोसैसिंग डिपार्टमेंट हैगा जिहड़ा कि यह एग्रो प्रोसैसिंग दे रिगार्डिंग अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हैगा, ते यह ट्रेनिंग हासिल करके तुसी अपना एग्रो प्रोसैसिंग दा काम है जिहड़ा वो शुरू कर सकते हो। आपां नूं एग्रो प्रोसैसिंग दे लई एक एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट हुंदा है जिहड़ा कि असी पिंड बेस दे उत्ते भी लगा सकते हैं। कई हैगे ने जिहड़े किसानां ने अपने व्यक्तिगत रूप दे विच यानी इंडिविजुअल लैवल दे उत्ते भी वो एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट अपने घरां दे विच लगाया होया, जिन्हां कोले जमीन हैगी है वाधू उत्थे भी अपना एग्रो प्रोसैसिंग यूनिट ला सकते ने, जिथों कि वह कणक का आटा बनाउंदे ने यानी चक्की वगैरह लग सकती है, ऑयल एक्सपैलर जिथों तेल निकलता वह इहदे विच लग सकता है, यानी एक पूरा एग्रो प्रोसैसिंग का यूनिट हुंदा है जिहड़ा कि तुसी दो चार पिंड रल के भी एक जगह पर ला सकते हो, या फिर एक पिंड पद्धर के उत्ते भी तुसी एग्रो प्रोसैसिंग का यूनिट है जिहड़ा वह लगा के ते अपना काम है जिहड़ा वह शुरू कर सकते हैं। हुण यह है कि कल्ले नौजवान दे लई या कल्ली किसी मतलब चाहे वह लड़का है या लड़की है, नौजवानों लई कल्लियां यह काम करना थोड़ा या कई वारी औखा हुंदा है, तां मेरी एक सलाह हैगी है कि वह अपना एक स्वै सहायता समूह बनाउण, मतलब जिहनूं असीं सैल्फ हैल्प ग्रुप कहिंदे आ, उहदे विच घट्टो घट भी जिहड़ियां हैगियां ने 15 to 20 नौजवान रल के अपना एक सैल्फ हैल्प ग्रुप बना सकते ने। ते दूसरी गल इह है कि वह सैल्फ हैल्प ग्रुप ही अगर कोई ट्रेनिंग लैंदा है सिखलाई लैंदा है तां उह सिखलाई जे तां हुण लेडीज़ कुड़ियां लै रहियां ने तां उहनां लई उह बिल्कुल फ्री हुंदी है, ते जेकर वह आदमी ने मेल मैंबरस लई बहुत ही नॉमीनल जी फीस है जिहड़ी अलग अलग महकमिआं वल्लों रखी गई है, ते इह दे के उह आसानी दे नाल एक पूरा ग्रुप या फिर 4-5 पिंड रल के वह ट्रेनिंग लैके तो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरी तुहानू यह सलाह हैगी है कि तुसी सोशल मीडिया दे नाल भी जुड़ो, अगर कोई इस तरह का कोई भी तुसी अपना रोज़गार शुरू कर रहे हो, चाहे वह एग्रो प्रोसैसिंग का काम शुरू किया, चाहे वह तुसी बी कीपिंग का काम शुरू किया मतलब मधुमक्खियां पालन का, चाहे वह तुसी डेयरी का ही धंधा शुरू किया, ईवन कि डेयरी के धंधे विच भी जदों आपां जिहड़ा दुध है दुध के अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं, मान लो दुध वेचते हैं आपां उस बाद उहदा पनीर बनाने हैं या फिर दही वेच रहे हैं या उहदा घिओ बना के वेचते हैं, तो यह भी एक तुहाडा प्रोसैसिंग का एग्रो प्रोसैसिंग का ही पार्ट हैगा। इस करके बजाए कि नौकरियां दी दौड़ दे पिछे भज्जण दी आपां जे अपनी हुनर नू अजमा के अपना काम शुरू करदे आ तां अपना दुगना आपां दुगना चौगना जिहड़ा हैगा मुनाफा वा वह कमा सकते हैं।